Hello everyone, welcome to your YouTube channel Being a Best Teacher. इस लेक्चर में हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है टीचिंग का. एंड यहाँ पे इससे क्वेश्चन हर साल आपका पूछा जाता है लगभग. तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? आपने लेक्चर मेथड पढ़ा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पढ़ा होगा, बट इसका साथ में क्या मतलब होता है कि लेक्चर भी और डेमोन्स्ट्रेशन भी? तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मीनिंग क्या है. लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, लेक्चर मतलब जिसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ बताते हैं. ट्रेडिशनल वे कहा जाता है लेक्चर मेथड को, मतलब टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं. ठीक है, लेक्चर से जैसा कि आप समझ रहे हो, किसी को लेक्चर देना, किसी को कुछ बताना, व्हेन द टीचर इज स्पीकिंग एंड स्टूडेंट्स आर लिसनिंग. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है जब आप कुछ करके बच्चों को दिखाते हो, कोई डेमो दिखाते हो. डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू शो. ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हो तो उसमें डेमो दिया जाता है, या आप बच्चे को बता रहे हो कि लेट सपोज आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत यूज होता है, जैसे कि आप बच्चे को बता रहे हो कि एरोप्लेन कैसे फोल्ड करके पेपर से बनाया जाता है, तो आप उसमें पहले बच्चे को डेमो दिखाओगे, फिर बच्चे खुद बनाएंगे. ठीक है, मतलब टू शो, पहले वो काम आपने खुद करके बच्चों को दिखाया, एक डेमो दिखाया, फिर बच्चों ने खुद किया. ठीक है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूड्स द मेरिट्स ऑफ द लेक्चर एज वेल एज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. ठीक है, तो इसमें टीचर क्या करेगी, टीचर बोलेगी भी और साथ साथ डेमो भी दिखाएगी, दोनों चीजें. ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू फिल्टर आउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ. इसमें देखिए, लेक्चर मेथड की भी अच्छी अच्छी एडवांटेज रखे जाते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन के भी एडवांटेज रखे जाते हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हटा दिए जाते हैं. जैसे कि लेक्चर मेथड के क्या होते हैं डिसएडवांटेज, कि ये बोरिंग है, इसमें सिर्फ टीचर बोलता है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे खुल के टीचर से बात नहीं पूछ पाते हैं, ये बहुत ज्यादा पुराना मेथड हो गया है, आजकल के इनोवेटिव बच्चे इससे नहीं पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये लेक्चर मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हैं. और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात करें तो यहाँ पे टीचर ही डेमो देता रह जाता है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए हमें देखिए रिसोर्सेज भी चाहिए जिससे टीचर जो है डेमो करके दिखाए, हर एक टॉपिक के लिए यूजफुल नहीं है. और साथ में बात की जाए तो देखिए, डेमो के अंदर क्या होगा, हो सकता है सिर्फ टीचर डेमो दे, बच्चे उसको ढंग से ना कर पाए कॉपी, या हो सकता है क्लास में सभी बच्चे ना देख पाए. ठीक है, तो ये कुछ इन दोनों के डिसएडवांटेज हैं. पर जब साथ में बात करते हैं लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड की, तो वो डिसएडवांटेज यहाँ पे हटा दिए जाते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू शो, जैसा कि मैंने आपको बताया. और इन लेक्चर मेथड टीचर जस्ट टेल्स, बट इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टीचर शोज एंड इलस्ट्रेट सर्टेन फंडामेंटल फेनोमेना. तो यहाँ पे देखिए, डेमो में क्या होगा, सिर्फ टीचर करके दिखा रही है कि कैसे करना है. लेक्चर में क्या होगा कि टीचर सिर्फ बता रही है ऐसे ऐसे करना है, बट जब दोनों साथ में आ गई तो टीचर बता भी रही है और कर भी रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कैसे एरोप्लेन बनाना है, तो डेमोन्स्ट्रेशन में तो सिर्फ टीचर दिखाएगी, लेक्चर में टीचर सिर्फ बताएगी दिखाएगी नहीं, पर दोनों अगर साथ में आ जाएंगे तो टीचर बताएगी भी कि एरोप्लेन बनाने के लिए भाई पहले आपको एक ट्रायंगल में फोल्ड करना है, फिर एक और ट्रायंगल में फोल्ड करना है, फिर दोनों की विंग्स बनानी है. मतलब बता भी रही है टीचर साथ साथ लेक्चर के रूप में भी, और उसको दिखा भी रही है कैसे करना है. तो ये बहुत इफेक्टिव बन जाता है, दोनों चीजें साथ में आ गई तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो गया. ठीक है, इन लेक्चर मेथड टीचर जस्ट टेल्स, बट ये हमने पढ़ लिया है. इसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे. देखिए, हर एक टॉपिक स्पेशली कोई भी मेथड आप करें तो उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसका नेचर है, वो बताना आपके लिए बहुत जरूरी है. तो कोई भी टॉपिक अगर आप बीएड में कर रहे हैं और आप अपने आंसर में लिखने जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखें, और इसके लिए आप एक फ्लो चार्ट यहाँ पे जरूर ड्रॉ करें. करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ये यहाँ पे काफी सारी लिखी है, आपको सिर्फ कोई भी 8 पिक करनी है और 8 करेक्टरिस्टिक्स आपको अपने आंसर में लिखनी है. इससे ज्यादा आप लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, मैक्सिमम 8 की ही रिक्वायरमेंट आपसे है.
पहला है विजिबिलिटी। देखिए गुड डेमोन्स्ट्रेशन का यहाँ पे सबसे अच्छा होगा कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको दिखाई दे। अगर टीचर आगे रख के उसको डेमो करके दिखाएगी तो हो सकता है पीछे वाले स्टूडेंट्स को, जो बैक बेंचर्स हैं, उनको ना दिखाई दे। तो इसलिए ज़रूरत है कि टीचर क्लास में घूमे भी, इस तरीके से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए कि सभी बच्चों को विजिबल हो। ठीक है, वन मेजर आइडिया एट अ टाइम, एक बार में एक ही आइडिया पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए, ऐसा ना हो कि मिक्स कर दिया है, बहुत सारी चीजें एक साथ दिखा दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को एरोप्लेन भी बनाना सिखा रहे हो, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपना कोई भी सिचुएशन किसी भी सब्जेक्ट का सोच सकते हैं कि आप बच्चे को एरोप्लेन बनाना सिखा रहे हो, तो साथ में आपने बच्चे को क्या सिखाया, बोट भी सिखा दी बच्चे को बनानी, साथ में फ्लावर भी सिखा दिया। तीनों चीजें एक साथ सिखाओगे तो बच्चे के दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। तो एक मेजर आइडिया का ही डेमो आपको एक बार में देना है। डेमो जो होगा वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, क्लियर क्लियर बताया आपने डेमो में क्या क्या करना है, बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, क्लियर कट उसको जो है वो बताना है। कन्वेंसिंग होना चाहिए, इस तरीके से आप डेमोन्स्ट्रेशन को इंटरेस्टिंग बनाएं कि बच्चे खुद से खुद कन्फेंस हो जाएं कि हाँ, जो अब काम मैम ने किया है वो मैं अब खुद भी करूंगा डेमो लेने के बाद। ठीक है, रिहर्सल होनी चाहिए। अब देखिए, आप क्लास में कोई भी चीज का डेमो दे रहे हैं तो पहले आप अपना होमवर्क करें, रिहर्सल करें उसको, पहले खुद प्रैक्टिस करें। ऐसा ना हो कि सीधा आप क्लास में चले गए हैं और बच्चों को करके दिखा रहे हैं और आपको खुद ही नहीं आता है, तो रिहर्सल जरूर करें। सप्लीमेंटेड विद अदर टीचिंग एड्स, देखिए डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जरूरी है आपके पास और टीचिंग एड्स भी हो। जैसे कि अगर बात की जाए, किसी भी चीज का आप डेमो दे रहे हैं तो उसका एक फाइनल प्रोडक्ट आपके पास पहले से हो, जो आप बच्चों को दिखाएं कि भाई अभी मैं आपको इस चीज का डेमो दूंगी। ठीक है, तो और भी साथ में उसके साथ टीचिंग एड्स हो सकते हैं जो भी उसके लिए नेसेसरी है। फिर आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, देखिए जो भी जिस भी चीज पे आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि बच्चों से आप उसके लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, नीट एंड क्लीन हो आपका डेमो जो भी आप दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे से दिखाई दे, नीटली बच्चों उसको खुद से भी करे, क्योंकि आप नीट एंड क्लीन और टाइटनेस से उसको नहीं करेंगे तो बच्चे भी उसको गंदा संदा करेंगे, तो वो चीज ना हो, साफ सुथरा रहे, तो वो चीज आपको पहले अपने पे अप्लाई करनी है, बच्चे खुद ब खुद सीखेंगे। सिंपल और स्पीडी हो, सिंपल मतलब ज्यादा उसमें आप कलाकारी ना करें कि आपने बहुत ज्यादा उसको वेब बना दिया उसका, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए कठिन बना दिया, डिफिकल्ट बना दिया, ऐसा नहीं करना है, सिंपल रखना आपको। स्पीडी होना चाहिए मतलब आप तेजी से काम करें, इतना नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हैं, एक ही स्टेप को 10-10 बार बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, जितना जरूरी है उतनी पेस में रखें उसको। टू राइट ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ पे बच्चों के अंदर आप इनकलकेट करें कि बच्चों ने क्या ऑब्जर्व किया है वो लिखें। टीचर टू एक्ट एज अ परफॉर्मर, यहाँ पर आप परफॉर्मर का काम कर रहे हैं क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं और जो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है उसको परफॉर्मर कहा जाता है। सफिशियंट टाइम मतलब आप अपना पीरियड देखें कि आपके पास 40 मिनट का पीरियड है या दो पीरियड साथ में है 40-40 मिनट के, तो उस हिसाब से आप डेमोन्स्ट्रेशन को उसी टाइम के हिसाब से सेट करें और उसी टाइम पीरियड में खत्म करें। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुड डेमोन्स्ट्रेशन की। अब बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। सबसे पहले प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, देखिए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई भी और मेथड हो तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप प्लान करें। ठीक है, प्लानिंग करें और उसके बाद बच्चों को फिर आप प्रेजेंटेशन की तैयारी करें। ठीक है, तो वाइल प्लानिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट प्लान करते हुए आपको याद रखने हैं कि भाई प्लानिंग किस चीज की कर रहे हो आप, प्रेजेंटेशन की, कि मैं प्रेजेंटेशन के वक्त ये करूंगा, तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, सब्जेक्ट मैटर हो बिल्कुल क्लियर कट, देन लेसन प्लानिंग आपने करी हो, आप क्लास में जाने से पहले लेसन प्लानिंग करते हैं, सब्जेक्ट मैटर रेडी करते हैं, जो भी चीज आप डेमो में दिखाना चाहते हो उसकी रिहर्सल करो, कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ अपरेटस मतलब जो भी चीजें, बेसिकली अपरेटस की जगह या रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं आप, कि जो भी चीजें आवश्यक है आपको डेमो के लिए वो आप एकत्रित करो, उनको इकट्ठा करो। ठीक है, फिर दूसरा है इंट्रोडक्शन द लेसन, द लेसन मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग
बेसिस। अब देखिए कैसे आपको लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। पहला स्टूडेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरा स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट, देन टेलिंग स्टोरी, अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मेथड। देखिए पहले तो बच्चों की रियल लाइफ से उसको जोड़े, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जोड़े, फिर वहाँ पे बच्चों की एनवायरनमेंट से उसको जोड़े कि आज के मतलब करेंटली आज के डेली लाइफ से कैसे रिलेटेड है। फिर बच्चों को उसके बारे में स्टोरी सुनाए कि क्या उसके आगे पीछे है, हिस्ट्री है उसकी, यूजफुलनेस है। फिर बच्चों को सिंपल तरीके से वो डेमो आप करके दिखाए। फिर तीसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट मैटर को बच्चों के अंदर प्रेजेंट, बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई जो डेमो हम करने जा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है, वो एक्चुअली में है क्या, जो भी टर्म्स हैं उसके लिए टेक्निकल, वो सब बच्चों को पहले बताएं। द टीचर मस्ट स्टडी द सब्जेक्ट मैटर ऑन द ब्रॉड बेसिस, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन एंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों की एज के हिसाब से हो, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से हो, और डेमोन्स्ट्रेशन व्हाइल डेमोन्स्ट्रेशन इज गोइंग ऑन, क्वेश्चन शुड आल्सो बी आस्क्ड व्हिच विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स। साथ साथ में बच्चों से क्वेश्चंस पूछना क्यों जरूरी होता है, ताकि बच्चे देखिए डेमोन्स्ट्रेशन में इंटरेस्ट लें। ऐसा ना हो कोई बच्चा क्लास में बैठे बैठे भी क्लास से बाहर चला जाए, मतलब वो सोच कुछ और रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। बच्चों को एक्टिव रखने के लिए, इन्वॉल्व रखने के लिए और टॉपिक में बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करें। द टीचर शुड ट्राई टू इलस्ट्रेट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। देखिए यहाँ पे टीचर को कोशिश करनी है कि वो बच्चों को इलस्ट्रेट करे फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है। लैंग्वेज यूज मतलब तथ्य बताए बच्चों को, क्या क्या उसके फायदे हैं, नुकसान है एक्सपेरिमेंट के, जो भी आप एक्सपेरिमेंट का मतलब है जो भी आप एक्टिविटी या डेमो करके दिखा रहे हो बेसिकली। लैंग्वेज यूज बाय टीचर शुड बी सिंपल एंड क्लियर। आप ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि बच्चों को उनका मतलब ही नहीं पता है, बच्चों को सरल भाषा में सिंपल तरीके से आपको बताना है। चौथा स्टेप है, अब आती है एक्सपेरिमेंटेशन की बारी, जब आपको बेसिकली वो करके दिखाना है। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब यहाँ आपको डेमो देना है, और डेमो के साथ साथ आप लेक्चर भी देंगे कि भाई मैं ये चीज कर रही हूँ, स्टेप्स भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली स्पेस्ड एंड स्ट्राइकिंग होना चाहिए, क्लियर और कन्विंसिंग होना चाहिए। मतलब प्रॉपर स्पेस में आप करें, हर एक बच्चे को दिखे। स्ट्राइकिंग मतलब बच्चे को सीधा उससे सब्जेक्ट मैटर समझ आए, साथ में आपकी क्लियरली आप उसको बोले, क्लियरली करके दिखाएं, और ऐसा कन्विंसिंग हो कि बच्चे उसको खुद भी करना चाहें। द डेमोन्स्ट्रेशन टेबल शुड हैव ओनली एपरेटस, जिस पे आपने सामान रखा है, जिस पे डेमो क्या सामान रखा है जिस टेबल पे, तो उसपे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन का ही सामान हो, बाकी सब चीजें ना हो, ताकि बच्चों को पता चले हाँ भाई इस डेमो के लिए ये चीजें जरूरी हैं। ऐसा ना हो उस पे बाकी चीजें भी रखी हुई हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि मैम ने यूज क्या क्या करनी है या क्या करी थी। द एक्सपेरिमेंट शुड बी सिंपल एंड स्पीडी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, सिंपल होना चाहिए और स्पीडी होना चाहिए, जल्दी जल्दी भी करा जाए, बट ये ना हो बहुत जल्दी भी आप कर दे, मतलब नॉर्मल पेस में। ऑल द एपरेटस शुड नॉट बी डिस्प्लेड एट वंस, ऐसा ना हो कि आप बच्चे को सारी सामग्री जो उसका भी आप डेमो देंगे वो स्टार्टिंग में क्लास में ले जाते ही दिखा दे रहे हैं, जब जिसकी बारी आएगी बच्चों को शो करने की वो तभी दिखानी है, उससे पहले आप एक बॉक्स में रखें या उसको हिडन रखें बच्चों से, ठीक है। ताकि क्यों, क्योंकि एक एक करके आप दिखाओगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा कि हाँ भाई अब मैम क्या दिखाएंगी, अब क्या दिखाएंगी, ठीक है। फिर आखिरी में आता है ब्लैक बोर्ड। बिग ब्लैक बोर्ड बिहाइंड द डेमोन्स्ट्रेशन टेबल इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू समराइज द प्रिंसिपल्स अदर मैटर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड टू ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम्स एंड स्केचेस। देखिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ब्लैक बोर्ड का होना टेबल के पीछे बहुत जरूरी है, क्यों, ताकि बच्चे को आप प्रॉपरली जो नोट डाउन करने की चीजें हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, वो वहां पे लिख दें, या कोई ड्राइंग वगैरह बनानी है, स्केच बनाना है, डायग्राम बनाना है उससे रिलेटेड, तो या फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है तो वो भी आप वहां पर लिख दें। कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, तो वो सब मतलब टेक्निकल टर्म्स वगैरह उस सब्जेक्ट मैटर की आप वहां पे लिखें, ठीक है। अब करेंगे कुछ एडवांटेजेस जो लेक्चर कैंप डेमोन्स्ट्रेशन के हैं, और उसके बाद डिसएडवांटेजेस, दैट्स इट। इस टॉपिक को इतना ही रखेंगे और इतना ही आपको करना है अपने पेपर में। पहले बात करते हैं लेक्चर कैंप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के
एडवांटेजेस की। तो इकोनॉमिकल एडवांटेजेस यहाँ पर इसके, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल एज इट हेल्प्स इन इकोनॉमाइजिंग द सॉरी रिसोर्सेज। तो देखिए ये यहाँ पे ज्यादा खर्चीला नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकल है, मतलब बजट में आपके हो सकता है। साइकोलॉजिकल मेथड है, बच्चों के दिमाग के अनुसार होता है और बच्चे इसमें इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। कभी आप अपनी कोशिश करिएगा कि आप अपनी टीचिंग में किसी सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड करो किसी टॉपिक पे, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और स्पेशली जब बच्चों को कुछ नई नई चीजें आप दिखाते हो तो बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल वेयर द एपरेटस इज एक्सपेंसिव। जहाँ पे एपरेटस देखिए प्रॉपरली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, बड़ी बड़ी चीजें, तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन आप छोटे रिसोर्सेज से भी दिखा सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व सम डेंजर, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं, तो उसमें भी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आप डेमो करके दिखा रहे हो, प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो भी ये यूजफुल हो सकता है। द एपरेटस इज सेंसिटिव टू ब्रेक, जहाँ पे ब्रेक होने का किसी चीज का डर रहता है। द एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व सम डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, और देखिए यहाँ पे साथ में क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बना रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट बना रहेगा, बच्चों के अंदर भी क्रिएटिविटी आएगी, और टाइम और एफर्ट भी बचाता है। हेल्प्स टू प्रमोट यूजफुल डिस्कशन, अब देखिए कोई डेमो हो रहा है तो उसके बाद आप डिस्कशन भी कर, बच्चों को क्या समझ आया क्या नहीं, क्या पसंद आया क्या नहीं, तो ये सब भी आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोर एफिशिएंट मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने का। इसके अलावा एक एक्टिविटी मेथड ये है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग है, यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे प्राइमरी क्लासेस में यूज करो, एलिमेंट्री में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, या हायर स्कूल में, हमेशा हर टाइप के स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहता है, और ये टीचर के लिए भी हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे क्या होता है, टीचर अच्छे से बच्चों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखिए इग्नोर मैक्सिम ऑफ एजुकेशन, देखिए मैं कुछ आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज ही बता देती हूँ बहुत जल्दी जल्दी। सबसे पहला तो देखिए हो सकता है कि हर बच्चे को ये पहला डिसएडवांटेज है कि हर बच्चे को वो डेमो जो टीचर दे रही है वो दिखाई ना दे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बैक बेंच पे बैठे हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, तो उनको देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज्यादा बच्चे अगर आपकी क्लास में हैं तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैक्सिमम 35 to 40 स्टूडेंट्स हैं तो ठीक ठाक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट ऐसा मेथड यूजफुल है, डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हो, बट ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे आपके लिए ये यूजफुल नहीं होगा। साथ में देखिए विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, ज्यादा बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए एक पीरियड में लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ कोई टॉपिक करना, मैक्सिमम 35 से 40 मिनट का टॉपिक हर एक पीरियड हर एक स्कूल में रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, नहीं हो पाता, क्योंकि सामान को लाने में, अरेंज करने में, बच्चों को सेटल डाउन करने में, स्टार्ट करने में टॉपिक टाइम ना कहीं लग जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो देखिए कई बार अगर टीचर ने रिहर्सल नहीं किया है ढंग से तो भी इसमें इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं कि बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो ये चीज भी है। और हर एक टॉपिक के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसके साथ सिलेबस कराने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो बच्चों के अंदर, कुछ बच्चे तो भाई थोड़ा सा देखा तो ही समझ गए मैम क्या कर रही है, बट कुछ बच्चे जिनको देखकर भी कुछ समझ नहीं आया, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कहीं ना कहीं ये मेथड इग्नोर करता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पर है, और साथ में हो सकता है टीचर सही से स्पीड ना पकड़े, कोई डेमो में कुछ स्टेप तेजी से दिखा दे, या टाइम कम होने की वजह से कि भाई पीरियड ओवर होने वाला है फटाफट कर दे तो बच्चों को समझ ना आए, तो ये भी कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पर है, ठीक है। बात करें तो देखिए यहाँ पे टीचर तो लर्निंग बाय डूइंग हो रही है बट स्टूडेंट्स की लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद अब डायरेक्टली कंक्लूजन पे आते हैं, तो कंक्लूजन हमारा ये रहा, दिस मेथड कैन प्रूव टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस। साइंस के लिए बहुत हेल्पफुल है, और भी के लिए हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस के लिए ही है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है, बट हाँ स्पेशली साइंस के लिए इसको डिजाइन कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं किया गया। हाई टू हाई
हायर सेकेंडरी क्लासेस सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए यूजफुल है. द टीचर शुड एंकरेज द स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सपेरिमेंट टू द क्लास. अब टीचर खुद भी डेमोन्स्ट्रेट करे और साथ में देखिए बच्चों को भी टीचर को यहाँ पे एंकरेज करना चाहिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. ठीक है, तो ये यहाँ पे कंक्लूजन रहा हमारे इस टॉपिक का. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीचिंग के लिए. ये इसको बिल्कुल स्किप ना करें और अच्छे से इस वीडियो को अगर अभी आपको समझ नहीं आया है तो एक और बार देखें, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक समझ में जरूर आएगा. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में. तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.